जेपी पावर। ये जेपी पावर लिया है कि लेने का मन बना रहे हो आप? सर लिए हैं। 13,000 शेयर 14,500 की मोटा मोटी खरीद है ना? ये छोटे छोटे क्यों लेते हो? ऐसा कोई खास है क्या? आप उसके स्पेशलिस्ट हो क्या? ऐसा कुछ है क्या? सर पता नहीं, पहले मैंने मजगांव डॉक के भी लिए थे, कोचिन के भी लिए थे, बट उनमें कुछ इतना खास वो बड़ा नहीं था, बट बाकी इनमें छोटे छोटे में थोड़ा थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके मैं निकल जाती थी, लेकिन अब एक बार फिर वो वही बात आ गई, फंस गए। अच्छा नहीं, ये आपने भी ऐसे ही करा, दीपाली मैम ने भी इनफैक्ट ऐसे ही करा। ये आप लोग, आपने कुछ चार्ट वार्ट स्टडी करी थी या एक बार ऐसे ही डाला, कमा लिया तो लगा इस पे फिर डालते हैं फिर कमाएंगे, ऐसा हुआ था? हाँ सर, वो कंटिन्यू तो अप डाउन हो रहा था, तो ठीक है ले ली, हमेशा सोच के अप डाउन हो रहा लिया। तो जरूरी थोड़ी ना, लेने के बाद अप होगा, लेने के बाद डाउन भी तो जाएगा। ये देखो गलत है कुछ तो। आपने अब शुरू कर दिया शेयर बाजार, थोड़ा पढ़े पड़ेंगे है ना, पढ़ने के बाद। नहीं तो पैसा गाड़ी कमाई है, फालतू जा रही है ना? या तो अगर नहीं समझ में आए तो किसी बढ़िया इन्वेस्टमेंट मैनेजर को, म्यूचुअल फंड को पैसा दें, कमा के देगा बढ़िया। अभी मस्ती मस्ती में तो पैसा आ रहा था, जाएगा तो बहुत लपक दिक्कत दिक्कत हो जाएगी। खैर, जयप्रकाश पावर, ये वैसे अविनाश जी इनसे ऐसे कह रहा हूँ लेकिन हम रिटेल के सवाल ऐसे ही आते हैं। यस बैंक, वोडाफोन आइडिया, जयप्रकाश पावर, वैसे हम रिटेल सुजलॉन में भी एक्टिव हैं लेकिन सबकी अपनी अपनी कहानी अलग अलग। जयप्रकाश पावर का कुछ दिख रहा है होते हुए क्या, कोई डेवलपमेंट ऐसे कुछ कि चल जाए थोड़ा बहुत? एक बार टेक्निकल एनालिसिस में कोई बता रहा था राउंडिंग बॉटम तो बनने लगा है, अब वो पता नहीं मुझे ज्यादा उसके बारे में। आप क्या करते हैं अगर 2.5 रुपए 1.5 रुपए का लॉस हो रहा होता तो? मेरे ख्याल से देखो आशीष, ऐसे पेनी स्टॉक्स में पैसा डालना और वो भी अपने मेहनत की कमाई डालना थोड़ा सा मुश्किल वाला काम होता है, और मुझे लगता है कि इनको भी अगर ये चाहे तो दूसरे काफी अच्छे विकल्प है जो बाजार में आपको अवेलेबल है। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ प्राइस देख के, उसमें थोड़ा सा हलचल देख के एंट्री कर लेता है, लेकिन इस कंपनी की फंडामेंटल्स देखिए तो बेसिकली बहुत खराब नंबर्स है, और आने वाले कम से कम 1.5-2 साल के लिए कोई बड़ी बढ़त आएगी ऐसा लगता नहीं है। देखिए ज्यादातर स्पेकुलेटिव डिमांड से ये स्टॉक्स बढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि सारे स्टॉक्स खराब है, लेकिन जयप्रकाश पावर में अगर इनकी इतनी बड़ी क्वांटिटी है तो वो एक थोड़ा सा कंसर्न है। अगर 200-300 शेयर होते तो बात अलग, लेकिन इनकी 13,000 क्वांटिटी है, तो मैं इनको यही सलाह दूंगा कि जो भी निवेश से पैसा बनता है 12-13 रुपए में, जो भी आप ये शेयर बेच के पैसा मिलता है कोई अच्छे स्टॉक में डालिए, जहां पे आपका रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में, क्योंकि ऐसे बाजार में 20,000 के निफ्टी में ऐसे स्टॉक्स में आप पैसा लगाओगे तो कैपिटल बढ़ने के बजाय वो और टूटेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इससे निकल जाए और कोई दूसरा विकल्प में पैसा लगाए जहां पे आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बैठे। इनमें आपको अच्छा नहीं लग रहा था ना, वो एटलीस्ट फंडामेंटली बेटर स्टेट पे थी वो कंपनी, जो आपने पहले नाम लिए थे जिनमें आप निकाल के इधर आ गई थी। खैर एग्जिट बनाई और बहुत तगड़े क्वांटिटी है।